नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। हाँ बस दो दिन सर, वही था कि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट मेरे की है इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम बैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन सर, वही था कि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट मेरे की है इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद